Now let us see worksheet 2, question number 5. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है, 4 बनाया, उसी तरह से मिलता जुलता है, एकदम सेम क्वेश्चन है. द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 11. द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 27. फाइंड द नंबर. तो यहाँ पे जब भी दो डिजिट नंबर का आए तो आप मान लेते हैं लेट यूनिट डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर भी एक्स. देयरफोर टेंस डिजिट जो दोनों का सम है 11 है, तो 11 माइनस एक्स. आपको समझा चुके हैं कि एक्स माइनस 11 नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का सम करके चेक करेंगे तो 11 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कटेगा 11 आएगा, उस केस में नहीं आएगा. तो ये ध्यान रखेंगे. देयरफोर नंबर इज इक्वल टू, फार्मूला आपको बताया गया है, नंबर इज इक्वल टू होता है 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट. इस फार्मूले को यूज करेंगे तो 10 इंटू टेंस डिजिट क्या है, 11 माइनस एक्स प्लस यूनिट डिजिट है एक्स. तो हो जाएगा 110 माइनस 10x प्लस एक्स, दैट कम्स आउट 110 माइनस 9x. इट इज नंबर, ओरिजिनल नंबर. रिवर्सिंग डिजिट नंबर आप निकाल लें तो उसके बाद आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट नंबर दैट इज इक्वल टू, देखिए इंटरचेंजिंग डिजिट नंबर, अब ये आपका 10 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस 11 माइनस एक्स. इंटरचेंज कर दिया डिजिट को, ये टेंस डिजिट यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट पे. तो ये आ गया देखिए 10x प्लस 11 माइनस एक्स, दैट कम्स आउट 9x प्लस 11. ये आपका न्यू नंबर आया इंटरचेंजिंग नंबर, ये पहले वाला नंबर है. ये कह रहा है कि देखिए नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27. ये जो नंबर आया वो पहले वाले से 27 ज़्यादा है. तो सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन 3 में बनाए थे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरचेंजिंग नंबर में से पहले वाला ओरिजिनल नंबर माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस है वही आ जाएगा जो 27. अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ब्रैकेट ओपन करें, 9x प्लस 11 माइनस 110 माइनस माइनस प्लस 9x इज इक्वल टू 27. तो 9x प्लस 9x देखिए 18x इज इक्वल टू 27, इसको इधर ले आए, प्लस 110 माइनस 11, 18x इज इक्वल टू, इसको प्लस किए तो 137 माइनस 11, 7 माइनस 1 6, 3 माइनस 1 2, 126. तो x इज इक्वल टू 126 बाई 18, 18 7 जा 126, x की वैल्यू 7 आ गई. देयरफोर नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 110 माइनस 9x, 9 इंटू 7 दैट इज 110 माइनस 63. तो इसको माइनस कर लिए, देखिए 10 माइनस 3 दैट इज 7, और यहाँ बच्चा जो है 10 माइनस 6 4, 47 इज योर आंसर. चेक भी कर सकते हैं, देखिए 74 उल्टा हो जाएगा, रिवर्सिंग नंबर 74 और ओरिजिनल में 47, माइनस करेंगे 7 आया और यहाँ पे जो है देखिए 2, तो 27 डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब सही है. अब आइए क्वेश्चन नंबर 6. द सम ऑफ द थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 777. फाइंड दीज मल्टीपल. तो देखिए 7 का मल्टीपल मानना है तो आप मान लेंगे लेट थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 आर x प्लस 7 एंड x प्लस 14. ध्यान दीजिए कि जो 7 का मल्टीपल आप मानते हैं तो 7, 14, 21 लगातार वाले अगर मान रहे हैं आप, तो पहले से दूसरे में 7 का अंतर, दूसरे से तीसरे में भी 7 का, या पहले और तीसरे में 14 का अंतर होता है. तो उसी तरह से हम मान लिए x, x प्लस 7, x प्लस 14. कई लोग इसको मानते हैं 7x, 7 इंटू x प्लस 1 और 7 इंटू x प्लस 2, वैसे भी मान कर सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं है. तो ये आसान है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि तीनों का सम दिया हुआ है 777. तो x प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 777. तो 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 777. तो 3x इज इक्वल टू 777 माइनस 21, माइनस किए 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 2 5, 756. x इज इक्वल टू 756 बाई 3. तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 252. तो ये x की वैल्यू 256 आई. तो इसलिए 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स
ऑफ सेवन आर, देखिए क्या हो गया, 252 हो गया एक, दूसरा हो गया क्या 252 प्लस सेवन दैट इज इक्वल टू 259, और तीसरा हो गया 259 प्लस सेवन, तो 9 प्लस 6 266, तो 252, 259 और 266, चाहे तो चेक कर लीजिए, देखिए 252, 259 एंड 266, 777, ये आंसर आ गया, इसका मतलब सही है ये, 252, 259 एंड 266 आर द थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स। इसी तरह से देखिए, सम ऑफ द थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9 इज 999, फाइंड दीज मल्टीपल्स। सेम क्वेश्चन है, तो उसी तरह से आप मान लेंगे, लेट थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9 आर एक्स, एक्स प्लस 9 और x प्लस 18, तो इसका सम देखिए, सेम क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, तो x प्लस 9 प्लस x प्लस 18 इज इक्वल टू 999, तो 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 999, सो 3x इज इक्वल टू 999 माइनस 27, तो 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7, तो x इज इक्वल टू 972 बाय 3, दैट कम्स आउट 33 जा 9, 32 जा 6, 34 जा 12, 324, तो ये आ गया फर्स्ट मल्टीपल। इसी तरह से सेकेंड थर्ड, 324 प्लस 9, तो 333, और 333 प्लस 9 342, तो ये आंसर हो गया। देयरफॉर थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 324, 333 and 342। अब इसको प्लस करके देखेंगे तो आ जाएगा 999। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7 इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, द न्यू नंबर बिकम्स 1/5, फाइंड द रेशनल नंबर। देखिए कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7। यहाँ पे देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जब बात हो, तो आप जानते हैं फ्रैक्शन या रेशनल नंबर होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, ऊपर को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे को डिनोमिनेटर, तो कोई भी रेशनल नंबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है। यहाँ दिया हुआ है कि रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 7 ज़्यादा है, तो आपने मान लिया, लेट न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर बी एक्स, देयरफॉर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, क्यों कह रहा है, डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 7, जो न्यूमरेटर है उससे 7 ज़्यादा है, तो न्यूमरेटर x माने हैं, उससे 7 ज़्यादा, x प्लस 7, तो अब आपका रेशनल नंबर जो बना, देयरफॉर रेशनल नंबर इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है आपका x और डिनोमिनेटर है x प्लस 7, ये आपका रेशनल नंबर हुआ x बाय x प्लस 7। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में x बाय x प्लस 7 आप लिख लेंगे, अब जो कहेगा कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, कह रहा है कि 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ये है, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करें एंड 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, मीन्स डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें, तो x प्लस 7 प्लस 2 फ्रैक्शन बिकम्स 1/5, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, तो x माइनस 3 बाई, देखिए x प्लस 9 इज इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू x प्लस 9, अब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 5x माइनस 15 इज इक्वल टू x प्लस 9, एक तरफ लाइए वेरिएबल को, तो 5x माइनस x इज इक्वल टू 9 प्लस 15, या 4x इज इक्वल टू 15 प्लस 9, तो 24, सो x इज इक्वल टू 24 बाय 4 दैट इज 6, x की वैल्यू 6 आ गई, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, या रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या है, x बाय x प्लस 7 है, x की वैल्यू 6 है, तो 6 बाय 6 प्लस 7,
6 by 6 plus 7 that is 6 by 13. It is your rational number. So rational number ho gaya 6 by 30. It is your answer.